विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 13 नवंबर को होगा मतदान। राजकुमार रौत के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी सीट। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहां 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। यहां से विधायक राजकुमार रौत के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रौत ने 69,166 वोट के अंतराल से भाजपा के सुशील कटारा को हराया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएपी ने राजकुमार रौत को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में राजकुमार रौत ने भाजपा के प्रत्याशी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को 2,47,054 वोट से हरा दिया। इसके बाद से ये सीट खाली हुई है। रौत को 8,20,831 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया को 5,73,777 और कांग्रेस की अरविंद सीता डामोर को 61,211 वोट मिले थे। 84 विधानसभा सीट पर 2023 में लगातार दूसरी बार अलग अलग पार्टियों से राजकुमार रौत ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने यहां आखिरी बार 2013 विधानसभा चुनाव जीता था। 2013 के चुनाव में सुशील कटारा विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के महेंद्र बरजोट को 20,313 वोट से हराया था। अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरे राजस्थान की निगाहें 84 पर टिकी हुई है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से 3 नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशी को लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार उपचुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में भी कहीं ना कहीं उलझन दिखाई दे रही है। जो भी हो, लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरे राजस्थान की निगाहें 84 पर टिकी रहेगी और चुनाव के रिजल्ट आने के दौरान सारी स्थितियां साफ हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।